हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल क्राफ्टर ऋतु में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कलर्स का हॉल। मुझे अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस के लिए कलर्स की रिक्वायरमेंट थी। मैं शॉप पर गई और मुझे वहां पर जितने भी कलर्स दिखे मैंने सारे परचेज कर लिए। उन सारे कलर्स की ओपनिंग भी मैं आज आपके सामने ही करूँगी। फ्रेंड्स, हम एनालिसिस करेंगे जैसे उनकी कॉस्टिंग, उनके यूजेस और उन सारे कलर्स के बीच के डिफरेंस की भी बात करूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स लिए हैं, जैसे कि प्लास्टिक क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स, ऑयल पेस्टल, वैक्स क्रेयॉन्स, ट्यूब कलर्स, वाटर कलर्स, स्केच पेन्स और साथ ही हमने फैब्रिक कलर भी लिया हुआ है। इसके अलावा अपनी वीडियो में हम कुछ फर्दर एक्सेसरीज की भी बात करेंगे, जैसे कि स्पार्कल पेन्स, हाइलाइटर्स। देखिए, हमारे पास अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स भी हैं और डिफरेंट साइज के पेंट ब्रशेस, सीडी डीवीडी मार्कर्स और स्केच पेन्स। हमने यहाँ पे ट्यूब स्पार्कल कलर्स के डिफरेंट शेड्स भी यूज किए हैं। इसके अलावा हमारे पास में परमानेंट और बोर्ड मार्कर, दो अलग अलग तरह के मार्कर्स भी हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर शेडेड पेंसिल का भी यूज़ करेंगे। हमारे पास में HB से लेकर 8B तक की पेंसिल्स हैं। देखिए, इन सब का यूज़ मेनली शेड करने के लिए होता है। ये देखिए, लास्ट में हमने 0.7 mm की लीड पेंसिल ली है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल ये डायरी, इसका लॉक सिस्टम मुझे ऑसम लगता है। अब मैं इसी में आपको डिफरेंट कलर्स का यूज़ बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम डॉम्स के पेंसिल कलर्स की बात करते हैं। इन्होंने अपने पेंसिल कलर सेट में 24 शेड दिए हैं और एक शार्पनर फ्री दिया है। इसकी कॉस्टिंग 100 rupees है और इस पेंसिल कलर की साइज भी एक नॉर्मल पेंसिल जितनी ही है। इसके अलावा मेरे पास एक क्रिएशंस का पेंसिल कलर सेट था जिसकी कॉस्टिंग केवल 15 rupees ही है। वो छोटा वाला नहीं आता, रेगुलर यूज़ वाला पेंसिल कलर, ये वही है। अब हम डॉम्स और क्रिएशंस को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डॉम्स ने बहुत सारे कलर वेरिएंट प्रोवाइड करवाए हैं और साथ ही साथ इन्होंने हर एक कलर के 3 शेड्स दिए हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक, रेड और येलो पेंसिल्स का यूज़ करूँगी और साथ ही क्रिएशंस की भी ब्लैक, रेड और येलो पेंसिल से इसको कंपेयर करके देखूँगी। मुझे तो डॉम्स की पेंसिल ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने डॉम्स की पेंसिल को एक बार चलाया वो पिगमेंटेड हो गई और उसका कलर शो होने लगा। बट जो क्रिएशंस के कलर हैं उनको 2 से 3 बार रिपीट करने के बाद भी उनका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है और ना ही देखने में खूबसूरत लगता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कलर क्रेयॉन्स की। हमने यहाँ पर डॉम्स का वैक्स क्रेयॉन लिया हुआ है और साथ में कैमल का आर्कटिक का प्लास्टिक क्रेयॉन लिया हुआ है। आर्कटिका प्लास्टिक क्रेयॉन ये एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज में आता है और इसमें इन्होंने 28 शेड्स दिए हुए हैं। इसकी MRP 130 rupees है। चलिए इसकी ओपनिंग करके देखते हैं। देखिए, इन्होंने कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से दिए हैं और अपने कलर्स के लास्ट में कैमल की हॉल मार्किंग भी दी हुई है। यहाँ पर डॉम्स का जो कलर क्रेयॉन है वो वैक्स क्रेयॉन है, इसलिए उसको कलरिंग करते टाइम उसमें से एक डस्ट पार्टिकल जैसा कुछ निकलता है। बट फ्रेंड्स, जो कैमल के प्लास्टिक क्रेयॉन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, लिटरली मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पेंटिंग बहुत स्मूथ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स का यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंटिंग के कलर को डार्क शो किया जाए तो उस कंडीशन में आप वैक्स क्रेयॉन का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैमल का ऑयल पेस्टल कलर भी लिया है। देखिए, यहाँ पे 24 शेड देते हैं और एक पेंसिल फ्री देते हैं। पीछे इन्होंने ट्यूटोरियल समझाया है कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए, इन्होंने जो पेंसिल दी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। ये रेगुलर वाली HB पेंसिल है, आप इसका यूज़ लिखने के लिए, स्केच बनाने के लिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग शेड्स का यूज़ किया है, एक पिंक, एक डार्क पिंक और रेड। मेरे पास ब्लेंड करने के लिए उस समय कोई चीज़ नहीं थी तो मैंने फिंगर से ही ब्लेंड कर दिया। आप देखो, इसकी ब्लेंडिंग बहुत क्लीन है ना, बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लेंडेड पार्ट को इरेज करके भी देखा, ये चेक करने के लिए कि अगर हमारी पेंटिंग में कुछ गलत हो जाता है या गलती से एक कलर फैल जाता है तो क्या इसको वापस में सही किया जा सकता है कि नहीं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको सच में क्रेयॉन के हेल्प से कोई पेंटिंग ड्रॉ करनी है तो सबसे बेस्ट क्रेयॉन आपका ये ऑयल पेस्टल क्रेयॉन ही है।
क्योंकि इसमें शेड्स भी आपको बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और साथ में ये ब्लेंड होने के बाद पेपर पे बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ दिखता है। पहले ना मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ऑयल पेस्टल, प्लास्टिक क्रेयॉन और वैक्स क्रेयॉन में डिफरेंस क्या है, मुझे सारे के सारे सेम ही लगते थे। सच बताऊँ तो मैंने आज ही जाना है कि इन सारे के बीच में क्या डिफरेंस है और मैंने एज इट इज़ आपको शेयर कर दिया है। खैर अब नेक्स्ट अपने कलर पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे डॉम्स का स्केच पेन लिया हुआ है जो 35 रुपीज़ का था। इसके साथ मैंने दो नॉर्मल स्केच पेन भी लिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं था फ्रेंड, दोनों सेम ही लग रहे थे मुझको। तो ये 12 कलर्स हैं और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। हमने यहाँ पे नेक्स्ट कलर लिया है डॉम्स का ट्यूब कलर। देखिए ये जो हमारा डॉम्स का ट्यूब कलर है, यहाँ पे 12 शेड्स दिए हुए हैं। ट्यूब वाटर कलर है बेसिकली ये। इसमें यहाँ पर ये वाटर कलर की मिक्सिंग प्लेट मुझे फ्री मिली है जिसकी प्राइस 15 रुपीज़ है फ्रेंड। नॉर्मली जो मिक्सिंग प्लेट होती हैं वो पोर्टेबल होती हैं, मगर ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनी थी तो मुझे तो बहुत पसंद आई। खासकर इन्होंने जो ब्रश दिया है, इतना रॉयल लुक है उसका ब्लू कलर का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका ब्रश। और इसके ब्रश का जो फर है वो भी बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी प्लास्टिक में कलर्स को दिया हुआ है। मैंने येलो और रेड दो अलग अलग कलर की मिक्सिंग करके देखी है कि इसका पेपर पे क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको यूज़ किया है फ्रेंड, क्योंकि पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं पर। ओके आप देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग दे रहा है ये। जहाँ पर मैंने पेंट किया है वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। और येलो वाला इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने उसको बहुत कम क्वांटिटी में लिया हुआ था। ये जो अभी हमने वाटर ट्यूब कलर देखा ये भी केवल 100 रुपीज़ का ही है। डॉम्स बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब हम बात करने जा रहे हैं उस वाटर कलर की जो सबसे चीपेस्ट प्राइस का है, 20 रुपीज़ ओनली। 20 रुपीज़ में उन्होंने 12 कलर के शेड्स दिए हुए हैं प्लस एक ब्रश फ्री दिया हुआ है। फ्रेंड्स प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है। मैंने पहले एक सिंगल लेयर ड्रॉ करी, फिर मैंने देखा कि वाटर कलर है तो इसमें वाटर मिक्स करके देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है। और आप देखिए वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। आई थिंक छोटे बच्चे जो क्लास 1 to 8 में कलर्स का यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। वहाँ पर मुझे एक केक वाटर कलर की वेराइटी मालूम चली, हालांकि मैंने इसको पहले देखा हुआ था बट यूज़ नहीं किया था। ये 130 रुपीज़ का है। इसमें भी ये एक ब्रश फ्री देते हैं। जो ट्यूब कलर में इन्होंने रेड कलर का ब्रश दिया हुआ था सेम ब्रश यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं और ये बहुत ही स्मूथ टच के साथ में आता है। मैंने ब्लू और ऑरेंज दो टच आपको दिखाए हैं। ओके फ्रेंड्स तो अब हम बात कर लेते हैं स्पार्कल पेन की। मैंने यहाँ पे लिंक का शाइन स्पार्कल पेन लिया हुआ है। इसमें 10 अलग अलग शेड्स हैं और पर पेन 10 रुपीज़ कॉस्टिंग है। मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट शेड्स का यूज़ किया है, ब्लू और पिंक। बेसिकली ये जेल पेन जैसे ही चलते हैं और बहुत ही ईजी टू राइट हैं। फ्रेंड्स तो हम बात कर लेते हैं कैमल के फैब्रिक कलर की। बेसिकली ये बेडशीट, पिलो कवर, ये सब चीज़ें पेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। मैंने यहाँ पर बेसिक कलर परचेज किए हैं और उन सारे रेनबो कलर से ही मैं न्यू कलर को बना लूँगी। इनकी कॉस्टिंग 20 और 25 रुपीज़ पर बॉटल है। और फ्रेंड्स ये वाइट बॉटल में सॉल्यूशन है। कलर के थिक हो जाने के बाद इसका यूज़ करके हम इसको रेडी टू पेंट बना लेते हैं। और ये है हमारा स्पार्कल ट्यूब कलर। मार्केट में 5 रुपीज़ पर पैकेट में अलग अलग कलर्स के स्पार्कल अवेलेबल हैं, बट मैंने देखा है इन स्पार्कल्स में डस्ट ज़्यादा होता है और स्पार्कल पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। ये 20 रुपीज़ पर ट्यूब आता है। वैसे ये स्पार्कल कलर 20 रुपीज़ पर ट्यूब है, पर ट्रस्ट कीजिए ग्लिटर स्पार्कल से बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ये हर एक शेड में अवेलेबल हैं। ये ट्यूब स्पार्कल डॉम्स और सेलो कंपनी के हैं। और ये रहे हाइलाइटर के 4 डिफरेंट शेड्स। हाइलाइटर का यूज़ बेसिकली किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आता है, मगर मुझे लगा कि क्राफ्ट में भी इसका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइलाइटर के यूज़ की एक बहुत ही यूनिक वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर डालने वाली हूँ, जिसमें आपको हाइलाइटर के मल्टीपर्पज़ यूज़ मालूम हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये CD DVD मार्कर हैं। ये मार्केट में 4 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। और इसके साथ मैंने दो अलग मार्कर भी लिए हुए हैं, कैमल कंपनी के ही हैं, जिसमें से एक हमारा परमानेंट मार्कर है और एक बोर्ड मार्कर। अब इतने सारे कलर्स लिए थे तो उनको यूज़ करने के लिए ब्रश तो चाहिए ही थे, तो मैंने बहुत सारे यूनिट्स के ब्रश ले लिए हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये शेड पेंसिल्स हैं। ये 5 अलग अलग साइज में अवेलेबल हैं, HB, 2B, 4B, 6B और 8B। और ये लास्ट में मैंने लीड पेंसिल ली है 0.7 mm की।
इसकी कॉस्टिंग भी केवल 5 रुपीज पर पेंसिल है और इसकी लीड भी 5 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाती है। ये लीड पेंसिल सेलो की और शेड पेंसिल डॉम्स के प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स की हेल्प से आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही इनहेंस हो जाते हैं। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।